थैंक यू। सबसे पहले तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। कौन कौन मुझे जानता है? मेरा नाम मोहित यादव है और क्रॉस साइबर सिक्योरिटी को लीड करता हूँ, राइट। और जहाँ पे आप पढ़ते हो, दिस इज इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप सब लोग आए हो, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर बनाना। सो आज का जो सेशन है, उस सेशन में मैं बेसिकली आपसे डिस्कस करूंगा कुछ चीजें हैं जिन पर हम सब लोगों को, आप सब लोगों को काम करना है शुरुआत से। शुरुआत से मतलब अभी कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट तीन लेवल्स के अंदर काम कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं? आप हैं फर्स्ट थ्री लेवल्स पे ही अभी कंप्लीट हैं। पेन टेस्टिंग तक कौन कौन आ चुका है? कोई पेन टेस्टिंग आ चुका है? अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा कि अपने बारे में बताएगा कि आप क्या करते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, कैसे आपने साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर चुना और क्यों आपको लगता है कि आप इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन बताएगा सबसे पहले? सब आपको जानते हैं, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, एकदम अपने आप को काम रखना है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी लाइट। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में जाते हो तो भी आप नर्वस होते हो। ये जो सेशंस है ना, इस तरह के सेशंस में आपको जब इतने सारे लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलने को बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है ताकि वो जो डर है वो यही निकल जाए। जब आप इंटरव्यू सेशन में बैठो किसी के सामने तो कॉन्फिडेंटली, ये जरूरी नहीं इंग्लिश में बात करनी है, बट जो हिंदी होनी चाहिए आपकी वो बहुत पोलाइट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ। सर, मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ जामिया यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर साइंस सीएसई। तो सर, मैंने साइबर सिक्योरिटी इसलिए चूज करी थी क्योंकि एवरी ईयर साइबर सिक्योरिटी जो साइबर क्राइम्स है वो 300% बढ़ रहा है। मैंने ये डोमेन इसलिए भी चूज करा था, फाइनल मैंने अपने थर्ड ईयर कॉलेज में मैंने एक इंटर्नशिप करी थी गुड़गांव पुलिस की, मुझे वहाँ से साइबर सिक्योरिटी का आइडिया लगा था, इसलिए मैंने ये चीज़ चूज करी है। इसलिए मैंने और मल्टीपल इसमें इंटर्नशिप्स करी हैं साइबर सिक्योरिटी में ही, इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। अपने आप को अभी स्टार्टिंग लेवल्स पर सीमित नहीं करो, क्योंकि जैसे अभी छोटा बच्चा होता है उसको ए बी सी डी पढ़ाते तो वो अगर बोले कि मुझे बी अच्छा लग रहा है, कैसे लेगा, ठीक है। ए बी सी डी हो गया, फिर अल्फाबेटिक्स हो गए, आपके मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, तो शुरुआत में एलिमेंट्री, ये आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है जिसमें आप बेसिक समझ रहे हो कि अटैक्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन टेस्टिंग कैसी होती है, वेब पेन टेस्टिंग कैसी होती है, मोबाइल पेन टेस्टिंग कैसी होती है, ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। आप एक कम्प्लीटली आपको पैकेज की तरह अपने आप को लेना है कि मुझे वेब का भी स्ट्रॉन्ग अच्छा नॉलेज है, मुझे नेटवर्क का भी स्ट्रॉन्ग अच्छा नॉलेज है, मुझसे अगर कोई डी एल पी के बारे में पूछेगा तो मैं स्ट्रॉन्ग तरीके से बता सकता हूँ। ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में चल जाते हैं, कोई सब भी परफेक्ट कैसे हो सकता है? अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। मैथ्स आता है थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, साइंस आता है, परफेक्शन नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी परफेक्शन नहीं वर्ड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि पहले मुझे इंफॉर्मेशन, मुझे नॉलेज अच्छी होनी चाहिए एक एक सेपरेट सेपरेट टॉपिक की, उसके बाद जब मैं अपना करियर बनाऊंगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैं काम करना शुरू करूंगा तो वो मुझे काम देंगे। अब उन्होंने मुझे वेब का काम दिया तो मैं वेब में धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। वैसे ही हो सकता है वो मुझे थोड़े समय बाद नेटवर्क का काम दे तो नेटवर्क में गेन करूंगा, नेटवर्क में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सो एकदम से परफेक्ट तो बनी कोई भी नहीं बन सकता, पर परफेक्शन धीरे धीरे समय के साथ आता है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर कुछ ऐसे ही है, शुरुआत में पहले बेसिक सारी चीजें सीखो, बेसिक सारी चीजें
पूरा ध्यान लगा के सीखते, फिर आप जब किसी कंपनी में काम करते हो वो कंपनी आपको जिस फील्ड का काम दे रही है, जैसे आपने नेटवर्क भी सीखा, वेब भी सीखा, मोबाइल भी सीखा, आईओटी भी सीखा, कल को जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओगे वो आपको किसका काम दे रही है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप का आगे का करियर डिफाइन कर सकते हो। लेकिन टू एंटर इन टू द इंडस्ट्री हर कोई चाहेगा कि आपको हर चीज़ का एक बेसिक और बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का आता हो, ठीक है। तो इंटरमीडिएट लेवल का आपको आना चाहिए ताकि जब आगे थोड़ा सा रिफाइन आप अपने आपको करो तो इजी हो जाए आपके लिए। अपने बारे में बताओ कैसे इस फील्ड में जाने का सोचा, कोई आपके दोस्त थे क्या इस फील्ड में? सर कोई दोस्त नहीं था मेरा, मैंने खुद ही इंटर्नशिप करी थी फिर उसी में मैंने फिर कंटिन्यू करा। अच्छा, स्टैंड अलोन। हां, कोई आजकल मूवीज से बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं कि मूवीज से इंस्पायर हो गए, या आजकल मूवीज बहुत बनती है ना हैकिंग के ऊपर, हर कोई सर सब मूवीज से इंस्पायर हो गए है ना। सो मैं इनफैक्ट मैं भी मूवी से इंस्पायर हुआ, उस समय पे बहुत पुरानी मूवीज होते पुरानी मूवी से इंस्पायर हुआ। अब कौन कौन सी मूवीज आपने देखी है जिससे आप सब लोग इंस्पायर हुए? डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि काफ़ी लोगों का इंस्पिरेशन जो शुरुआत होती है कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। स्टार्टिंग लेवल पे जब आप कोई मूवी देख रहे हो उसमें आपने कंप्यूटर देख लिया, एक बच्चा देखा जो जबरदस्त हैक कर रहा है, उससे कुछ इंस्पायर हो गए, वो एक इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन को आपने टेक केयर किया, अब आपने एक माइंड में एक गोल बना लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो आगे का पाथ बनाते हो। फिर आपने ढूंढा गूगल पे, अलग अलग जगह सर्च कर घूमे, फिर आप आए, फिर आपने अपना पाथ बनाया कि मुझे ये कोर्स को ऐसे करना है, राइट। सो अभी जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाह रहे हो, क्या चीज आपको लगता है कि किस चीज में आपको लगता है कि आपको खुद इम्प्रूवमेंट चाहिए? इम्प्रूवमेंट पहले तो नेटवर्किंग में इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए आज के टाइम में। सिर्फ ये नहीं कि सिक्योरिटी बेस्ड भी नेटवर्किंग नहीं, बट सोशल नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है। बढ़िया, कौन कौन यहाँ पे सोशल पे हो, मतलब कनेक्ट किस किस के हैं? कि क्या जैसे आप सब लोगों को पता है कि बहुत सारी हैकिंग से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और मीटअप्स होते हैं, आप सब लोग उन मीटअप्स में जाते हो? ये मीटअप्स फ्री होती हैं बाय द वे, ये जो मीटअप्स होती हैं गुड़गांव में हो गई या नोएडा में हो गई, वास्क की मीटअप हो गई या फिर आपके नल की मीटअप्स हो गई, ये मीटअप्स कंप्लीटली फ्री होती हैं। जब आप यहाँ जाते हो तो आपकी मेरा नाम कनिष्क है, मैं यहाँ जामिया अंदर लास्ट ईयर हूँ। दोनों साथी? यस सर। यस सर। कैन ओके सर, मैंने साइबर सिक्योरिटी डिग्री चुनी हुई है, स्किल्स डेवलप करना चाहता हूँ मैं। ओके ठीक है, और कैसे मतलब इनके साथ ही इंटरेस्ट आया या कैसे कुछ किया है पहले? जामिया से आपको पता है पहले एक एसएससी की वेबसाइट एक हैक हुई थी, वेबसाइट जामिया के किसी बच्चे ने, नो आईडिया। सो जामिया में साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन है, उसी से हो? नहीं नो सर। नहीं, और कैसे मतलब इसमें आपने देखा कि आप इसमें करियर अपना शुरुआत करोगे, और क्या कुछ स्टेप्स पता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप्स धीरे धीरे मतलब क्या, देखो स्टेप्स तो हमने आपको बताए हुए हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग इथिकल हैकिंग में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, वेब का स्ट्रॉन्ग में चाहिए, आपको लिनक्स भी आनी चाहिए, उसके लिनक्स भी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा लिनक्स आना चाहिए जिससे आपको काली पे कमांड सीखने की कमांड बन जाए। थोड़ा सा आपको नेटवर्किंग आना चाहिए जिसमें आपको नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए, आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, डीएनएस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद एसएनएमपी जो प्रोटोकॉल्स होती है वो कैसे काम करती है इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, ओपन पोर्ट्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं और कौन कैसे कैसे ओपन पोर्ट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये आपने भी कौन से लेवल पे हो? सर अभी एथिकल हैकिंग आज खत्म हुई है। एथिकल हैकिंग खत्म हुई, ठीक है। प्रैक्टिस किए? सर प्रैक्टिस करनी है। कितनी देर प्रैक्टिस? अच्छा आप सब लोग कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? 2 hours 6 hours 6 hours 6 घंटे कंप्यूटर पर। क्या बात, आप
दो से दो घंटे सब फुल टाइम फ्री रहता हूँ कंप्यूटर पे बैठ के कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं कुछ नया किया किसी ने अभी हाल फिलहाल में क्या किया लैब सॉल्व कर अच्छा ऐसा करते हो कि नेट से नए नए टूल्स निकाल कर बिल्ड करने की कोशिश हाँ मतलब बिल्डिंग तो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि लेटेस्ट टूल्स कहीं मार्क पर गिटहब से डाउनलोड किया उसको रन किया किसी पे कहीं पे ऐसा कभी किसी ने किया रैट का किया अच्छा रैट कौन कौन कोई बताएगा रैट क्या होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन रिमोट एक्सेस ट्रोजन रिमोट एक्सेस टूल ट्रोजन टूल टूल सब ठीक है रैट और रैट का और कोई भी नाम होता है क्या ट्रोजन ट्रोजन वायरस बोल दो ठीक है रैट के नाम पता है लेकिन अगर आपको चाहिए अच्छे रैट्स तो आपको गिटहब पे मिल सकता है और बहुत सारी एक वेबसाइट से भी मिल सकते हैं अच्छा ठीक है वो वेबसाइट हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे वीडियो के बाद में आपको बताऊंगा ठीक है और आपका मुझे बताओ कि बैकग्राउंड में पहले 12th में क्या किया था 10th 12th में सर साइंस करी थी मैंने 11th 12th में इंटरेस्ट था सर ठीक है अभी आगे इसके बाद कुछ करोगे इसके बाद सर मास्टर्स का ट्राई करूंगा मास्टर्स का साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही या सर साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी थैंक यू सर मेरा नाम देव सिंह है मैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ सर मैं अभी इंटरमीडिएट कर रहा हूँ करियर कैसे शुरुआत करने की सोची आपने अभी तो कुछ पता नहीं अभी तो पहले कॉलेज शुरू हुआ कॉलेज करने के बाद ही कुछ पता चलेगा नहीं नहीं इसमें कैसे सोचा कि साइबर सिक्योरिटी में मुझे कुछ करना मेरे भैया थे वो बग बाउंटी करते थे अच्छा तो उन्होंने मुझे बताया उन्हीं को देख कर आप इंस्पायर हुए और आगे कैसे मतलब कितना समय आप रेगुलर प्रैक्टिस में सर रेगुलर कुछ फिक्स नहीं है 5 to 10 hours भी चले आते हैं मतलब 10 घंटे मेरे करना नहीं होता ना मेरे ख्याल से 4 घंटे अगर आप 2-3 घंटे का आपने शुरू में ले हुए ना तो फिर लगातार मैं सॉल्व करता रहता हूँ अच्छा कौन सा लेवल के हो अभी CEH का था CEH का लैब सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कौन सी लैब सॉल्व कर रहे हो सर इसमें जॉन द रिपर सॉल्व करना है जॉन द रिपर अच्छा ठीक है मतलब पासवर्ड क्रैकिंग वगैरह अच्छा मेरा नाम अभिषेक शर्मा है मैं ग्रेजुएट फ्रॉम SKC करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंटरप्रिटेशन कंसल्टेंट फॉर मैरियट इंटरनेशनल फॉर सीजन तो करियर मेरा यहाँ स्टार्ट करने का मूवन जो पीरियड है स्टार्ट हुआ कई साल पहले 2-3 साल पहले जब विद इन लाइक ग्रेजुएशन फेस मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे केविन मिटनिक का उससे इंस्पिरेशन मिली क्योंकि वो बंदा कुछ भी कर रहा था कहीं जैसे एक होटल का सिनेरियो होता है वो कंपनी से वॉकिंग कर रहा बंदा रूल्स लेके अपने साथ में साथ वाले को पता भी नहीं चला और उस बंदे ने कॉपी कर ली की और पूरी कंपनी में घूम रहा उनके नाम पे तो वो काफ़ी चीज़ें टिक करी है तो उस चीज़ से फिर थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि चीज़ में जाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए ठीक है आगे कैसे अपना पाथ बनाओगे अभी स्टार्ट किया है CEH सो वर्क करते करते नेटवर्किंग जो बेसिक चीज़ें हैं राउटिंग सर्चिंग जो सर्वर पे काम करना वो सब वर्किंग चल रहा है यहाँ पर वेबसाइट किस किस की है आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं वेबसाइट क्रिएट कैसे होती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात वेबसाइट होस्ट कैसे होती है जब आपको होस्टिंग समझ में आ जाएगा DNS के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा
और जब डीएनएस के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी कोई दूसरी सर्विस चलती कैसे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे पहले जब शुरुआत में मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया था तो मुझे ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं थी। मैंने एक वेबसाइट रजिस्टर की, उसको होस्ट कराया। हालांकि जब आप एक वेबसाइट रजिस्टर करते हो तो बहुत इजीली आपको नेट पर ना पूरा प्रोसेस दिख जाता है, ईमेल कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे गूगल ऐप सेटअप करते हो, गूगल वर्कस्पेस कैसे, सब कुछ इजीली आप करोगे आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को करते करते आपको कैसे क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, लॉक्स कहाँ देखते हैं वेबसाइट में? आप सी पैनल लॉग इन करके लॉक्स देखना समझ में आ जाएगा। अपैचे के लॉक्स कैसे, रियल टाइम लॉक्स कैसे आपको, और क्या आता है जब एक विजिटर आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो क्या डेटा लेकर आता है, उसका आईपी एड्रेस, उसका यूजर एजेंट, उसकी उसके मोबाइल की डिटेल्स, उसके ब्राउजर की डिटेल्स, वो सारी जो डिटेल्स लेकर आता है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है, क्योंकि ये सारा डेटा आपको आगे के लेवल्स में हेल्प करेगा। क्यों? फॉरेंसिक करोगे तो लॉग एनालिसिस आएगा, सॉक आएगा तो सॉक में भी लॉग एनालिसिस आएगा, सिम आएगा, सिम टूल्स है, स्प्लंक है, आर्कसाइट है, क्यू रेडार है, लॉगरिदम है, ये सब लॉग एनालिसिस है, लॉग कोरिलेशन है। अब आपको जब वेबसाइट बनाओगे तो लॉग देखना समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि एक वेबसाइट पे ये मेरे पास हमारी वेबसाइट पे एक विजिटर आया, वो इसका आईपी है और ये इंडिया से है या ये यूएस से है। तो ये जब चीज़ें आप समझ लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आगे की चीज़ें को कोरिलेट करना। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है कि एक वेबसाइट आपको खुद के लिए बनानी। अब आप अपने नाम से बना लो, चाहे उसको पोर्टफोलियो का नाम दे दो, चाहे डेमो या टेस्ट करने के लिए बना दो, वट एवर इज योर वे ऑफ डूइंग द वर्क। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का एक डोमेन हो, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कैसे अब क्या सोच रहे हो कि कैसे आगे बढ़ना है इसमें? जब भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज आपको अप्रोच करती है ना, मतलब उनके पास रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऐसा नहीं सोचती कि उनके पास सिर्फ नेटवर्क पेन टेस्टिंग वाला ही पर्सन चाहिए। आजकल जो भी कंपनी चाहेगी कि एक मेरे को कैंडिडेट चाहिए, एक रिसोर्स चाहिए जो कि सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स करवाने हैं, वो एक नॉर्मल कंपनीज के पास ना अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं। वेबसाइट टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग के प्रोजेक्ट आते हैं, उनके पास IoT प्रोडक्ट टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनके पास आते हैं इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स कि कहीं पे 2-factor ऑथेंटिकेशन लगाना है, कहीं पे Duo लगाना है, कहीं पे MDM सेटअप करना है, या कहीं पे Office 365 जैसे ईमेल्स यूज करती है कंपनीज, Office 365 यूज हो रहा है कहीं पे, उस पर सिक्योरिटी लगानी है, या किसी कंपनी में Amazon के क्लाउड सर्वर्स यूज हो रहे हैं, उनको अपने क्लाउड सर्वर्स को हार्डन करना है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है इन छोटी छोटी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। मतलब थोड़ा सा वेब अच्छा बनाना है आपको, थोड़ा सा आपको नेटवर्क अच्छा करना। तो ऐसा नहीं सोचना ड्यूरिंग द सेशन, जब आप एक सेशन ले रहे हो उस सेशन के अंदर कई बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे ना ध्यान नहीं देते, उनका मन होता है कि हम पेन टेस्टिंग में ना मशीन सॉल्व करेंगे, तो जब वेब चल रहा होता है तो वेब पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या IoT चल रहा होता है तो IoT पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनका मेन फोकस लगता है कि जस्ट मशीन सॉल्विंग ही हमारा मेन काम है। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना जो क्लास के अंदर जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं उन टॉपिक्स पे ध्यान दो। पेन टेस्टिंग कर रहे हो उस समय पे पेन टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो एक एक चीज को ध्यान से कवर करना है, अलग अलग कवर नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि अभी इसको कर देते खत्म, नेक्स्ट वाले मेरे को अपना करियर नेक्स्ट वाले में बनाना है। कॉन्फिडेंट आप फील करोगे नेटवर्क में, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन सारी कंपनीज नेटवर्क ही नेटवर्क थोड़ी ना मांगेंगी, उनके पास वेब भी तो होगा, उनके पास मोबाइल भी तो होगा। सो अपने आप को प्रिपेयर करना है एटलीस्ट बेस लेवल तक, ठीक है। आप बताइए। हाँ,
सर माय नेम इज शमराज आई आई हैव कंप्लीटेड माय एमकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में आएगा मेरे को कोई खास आइडिया नहीं था बट आई वाज वर्किंग एज अ एजुकेशन काउंसलर सो दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है और मुझे यहाँ से क्या मुझे टेक्निकल साइड में जाना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही तो कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था बट एक्चुअली कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए सो स्टिल मेरा पूरा एजुकेशन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में ही हुआ लेकिन फिर मैं और मेरा फ्रेंड ने हमने डिस्कस किया तो हमने तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पहले विजिट किया पहले मैं डेटा साइंस के लिए जाना चाह रहा था लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि नहीं अब इसको अभी इमिडिएट करना चाहिए फिर मैं इसके बाद भी गया मैं दो तीन इंस्टीट्यूट ट्राई किए फिर CCNA के लिए भी गया फिर उसके बाद फिर मुझे लगा नहीं फिर मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी सेविंग्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है तो इमिडिएट आई जस्ट ज्वाइन क्रॉप फिर अपने यहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय 5 मॉड्यूल्स एंड स्टिल वर्किंग ओके एक चीज़ आपने ध्यान दीजिए इन्होंने एमकॉम किया है ठीक है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं आईटी का कोई मेरी ग्रेजुएशन होगी तभी मेरा कुछ होगा मैंने बीकॉम किया ठीक है इन्होंने एमकॉम किया आपने किसी में बीए किया होगा कोई ट्वेल्थ में होगा तो अपने आप को कभी भी ऐसा फील मत करना क्योंकि हजारों कंपनीज हैं हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए सर्च कर रही हैं कैंडिडेट्स को इतने ज्यादा कैंडिडेट नहीं एक्चुअली बात करें तो इंटरेस्टिंग तो बहुत डाल देते हैं लिंक्डइन पे किसी ने डाला कि वी आर लुकिंग फॉर सॉफ्ट एनालिस्ट उसके नीचे ना 100 लोग इंटरेस्टिंग डाल देंगे 100 लोग अपना रेज्यूमे भेज देंगे लेकिन उन 100 लोगों में से ना सिर्फ और सिर्फ 5 ही ऐसे रेज्यूमे होंगे जो रेलिवेंट होंगे बाकी सारे कोई कहीं पे है कोई कहीं पे है कोई शायद उसमें से कोई नॉन टेक्निकल है लोगों को पता भी नहीं था सिक्योरिटी गार्ड वाले भी इसमें अप्लाई करते थे रियली सो ये आप कभी भी अपने आप का ऐसा मत सोचना कि हमारे पास टेक्निकल नहीं है टेक्निकल बीते है जैसा कुछ नहीं है तो एक कंपनी नहीं करेगी किसी करेगी दूसरी नहीं करेगी किसी करेगी और गिव अप नहीं करना बट सर दिक्कत वहाँ आती है ना कि जैसे कि हमारा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है मान लीजिए हमारे पास स्किल्स है और एक्सपीरियंस है हमें काफ़ी अच्छा कोई चीज़ आता है बट हमने कहीं एप्लीकेशन डाली सो दे जस्ट वॉच द रिज्यूम एंड दिखा उन्होंने कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से या ओपन लर्निंग है कॉरेस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो उसको क्या ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं अब अच्छा एक्सपीरियंस है वो तो उनको फेस टू फेस इंटरव्यू में या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू में पता चलेगा लेकिन जब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर बना रहे हो ना आपका रेज्यूमे बहुत कुछ बताता है आपका जो रेज्यूमे होता है ना वो बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है मैंने कुछ रेज्यूमे देखे हैं तो बच्चे भेजते हैं टीम के पास सबमिट कराते हैं उन रेज्यूमे में ना ऐसा कुछ होता ही नहीं है एक्सेप्ट अ वन लाइनर डूइंग साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम करो जस्ट वन लाइनर सिंगल लाइन वो अपने रेज्यूमे में लिखते हैं वो मेंशन नहीं करते कि उनको कौन से टूल्स पे उनको एक्सपीरियंस है किन टूल्स जैसे नेसेस हो गया मेटास्प्लॉइट हो गया आपके जितने भी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के टूल्स है वर्बसूट हो गया एक्यूनिटिक्स हो गया जब रेलिवेंट टूल्स रेलिवेंट चीजें उनको अपनी कंपनी के अगेंस्ट मिलेंगी मतलब कंपनी से अलाइन मिलेंगी कि यही चीजों पे तो हम काम करते हैं तो आपको आगे लेकर जाएंगे रेज्यूमेस वहां शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं जहां आपके रेज्यूमे में दम नहीं होता मतलब आपका रेज्यूमे डिटेल्ड नहीं होता अगर आपका रेज्यूमे बहुत ही बेसिक लाइन पे बना हुआ बेसिक लाइन मतलब सिंगल सिंगल लाइन के साथ आपने डाला हुआ है मैंने देखिए बहुत सारे रेज्यूमेस आते हैं फोटोज उसमें बहुत अपनी फोटो लगाते थे इतनी बड़ी और सारा स्पेस जो है वो फोटो ने घेर लिया नीचे तक एक लाइन बना दी ब्लैक कलर की राइट हैंड साइड पे इतना सा स्पेस दिया अपनी क्वालिफिकेशंस अपने स्किल्स और अपनी डिटेल्स को डाल दे आपने स्पेस ही छोड़ खत्म कर दिया आपका रेज्यूमे पूरा टॉप टू बॉटम आपके बारे में बताना चाहिए आपकी फोटो ना भी हो
वो मैटर नहीं करती, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि आपने किस टूल पर काम किया, नेसेस पे काम किया, आपने मेटास्प्लॉइट पे काम किया है, आपने वर्ब पे काम किया है, आपको मालियन एनालिसिस आता है, आपको एक्सएसएस के बारे में बताया, आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये डिटेल में लिखा होना चाहिए। जब ये डिटेल में आप लिखोगे अपने रेज्यूमे में तो वो शॉर्टलिस्ट होगा 10 जगह पे, अदरवाइज वो पहले ही राउंड में एचआर को तो ज्यादा नॉलेज नहीं होती, एचआर तो देखेगा रेज्यूमे और वो निकाल देगा, लेकिन जहां एचआर ने देखा तू, क्योंकि एक बार एचआर ना ऊपर से नीचे तक नजर जरूर मारेगा आपके पूरे रेज्यूमे में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन देखेगा कि आपने बीटेक नहीं किया हुआ तो साइड कर दो, नो, ऊपर से नीचे तक एचआर पूरा जरूर देखेगा, ये देखेगा कि हाँ वेब पेन टेस्टिंग है, मोबाइल पेन, वो फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा फॉर अ रिव्यू। जब रिव्यू में जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल आएगा, फिर आपकी स्किल्स, अब स्किल्स में ना दो स्किल्स बहुत काम आती हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू सेशन, मैं आपको लाइव चीज बताता हूँ। बीच में बहुत सारे बच्चे हैं जो ना एचआर से ठीक तरीके से बात नहीं करते, सो व्हेन अ कॉल, एक कॉल जब आपके पास आता है ना एचआर का, यू हैव टू बी पोलाइट, ठीक है, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। बीच में आया था एक एचआर को ये बोला गया, नौकरी देनी है तो दे दो, नहीं देनी तो काट दो, दिस वॉज द रिप्लाई फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट। अब सोचो कि उस स्टूडेंट का को अगर हम आगे भेजेंगे तो मेरे ख्याल से तो वो नाम ही खराब होगा। सो बी वेरी पोलाइट वेदर यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश वेदर यू आर टॉकिंग इन हिंदी, बी वेरी पोलाइट टू एचआर, क्योंकि एवरीवन वांट समवन जो उनकी कंपनी के अंदर आके एडजस्ट हो जाए इजीली, उनकी बातों को माने समझे और काम डिलीवर करे, रेदर देन आर्ग्यूइंग। जहां एचआर को पता लगा कि ये आर्ग्यू करने वाला है, हर चीज के ऊपर आर्ग्यू करेगा, दे विल नॉट एंटरटेन यू। क्यों? क्योंकि किसी भी एचआर को ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करें, दे ऑल वॉन्ट काम वर्क प्लेस। काम वर्क प्लेस मतलब आए अच्छी तरीके से काम करें, अच्छी तरीके से डिस्कशन हो, रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखना आना चाहिए आपको। अगर अपना पॉइंट रखना है तो इट हैज टू बी अ वे ऑफ पुटिंग अ पॉइंट, अपना अपने आपके बारे में बताना, समझाना कि सर माई व्यू इज दिस, आई वुड रिस्पेक्ट योर डिसीजन बट माई व्यू अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो इज दिस, आप देखिए सर आपको अगर फिट बैठता है तो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, बहुत पोलाइट और बहुत ना अटेंटिव होके बैठना चाहिए। अटेंटिव मतलब जब मैं अभी आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ ना तो मैं सब लोगों को देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन मेरी बातों को सुन रहा है और ग्रास्प कर रहा है, और मुझे ये भी पता है कि कौन नहीं सुन रहा है, इसके ऊपर सिर्फ ऐसे उकर जा रहा है। सो मतलब आप समझे कि एचआर हो गया या कंपनी के अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको भी सब पता होता है, दे कैन सी इनटू योर आईज, दे कैन ऑब्जर्व थिंग्स कि हु इज द राइट कैंडिडेट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। एंड हम यहाँ पे मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको शुरुआत में बता दिया जाए कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको क्या बेसिक एसओपी फॉलो करना है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड जब आप किसी कंपनी में जाते हो कि किस तरह से आपको बात करनी होती है, किस तरह से आपको ड्रेसअप होना पड़ता है, किस तरह से आपको पोलाइटली अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। डू नॉट आर्ग्यू विद पीपल, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो डोंट आर्ग्यू, बी पोलाइट, बी थैंक्स गिविंग मतलब आप थैंक किया करो। अब आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पे अपने टीचर को थैंक्स करते हैं फॉर द नॉलेज यू गेटिंग, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी दोगे ना सामने टीचर्स को, वो आपको डबल पॉजिटिविटी देंगे, वो आपको डबल रिस्पेक्ट देंगे। आपको अगर 10 काम एक्स्ट्रा भी होंगे ना, 10 डाउट्स एक्स्ट्रा वो अलग से आपको पढ़ाएंगे, तो कीप दैट रिस्पेक्ट लेवल ऑन द टॉप। तो डोंट वरी, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, कोई वरी की बात नहीं है कि हमारे पास एम कॉम है, बी कॉम है, मेरे पास भी बी कॉम है, क्या होगा। मोहित,
I'm currently third year BCA from Delhi University. And my past experience is मैं ट्रेनर था अरीना एनिमेशन में करनाल एनिमेशन में अरीना एनिमेशन में वहाँ से मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था उसके बाद मेरा शुरू से था साइबर सिक्योरिटी में पैशन इसी के लिए मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू की थी सी सी प्लस प्लस और वो सीखते सीखते मैं वेब डेवलपमेंट में एंटर कर गया मैं मेरे को पता भी नहीं चला देन ट्वेल्थ करते ही मेरे को जॉब ऑफर आ गया था अरीना एनिमेशन से वहाँ मैं इंटरव्यू दिया और वहाँ मैं सिलेक्ट भी हो गया फिर मैंने करीब एक साल वहाँ जॉब की देन फिर मैंने वहाँ से क्विट किया क्योंकि जो मेरा ड्रीम था साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने का वो रह जाता अगर मैं वहाँ वहीं पे जॉब करता रहता तो फिर मेरे को एक मेरे पड़ोस में है एक लड़का उसने दिया था कॉन्टैक्ट काजल मैम का प्रो साइबर सिक्योरिटी से तो उनसे मैंने तब कॉन्टैक्ट किया था उसके बाद मैंने एडमिशन लिया बेसिकली मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे आसपास के जितने भी लोग उनके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे किसी के जॉब के नाम पे उनसे पैसे लेके और फिर ब्लॉक कर देते थे इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ निकाल के उनकी न्यूड्स बना के फिर पोस्ट करते थे फिर उनको बोलते थे कि मेरे को फॉलोवर चाहिए तो उस केस में जैसे मैं हूँ टेक्निकल फील्ड से तो मेरे को बोला जाता था तो मैं कम्प्लीटली ऐसा होता था जैसे मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता और प्रोग्रामिंग मेरे को आती है तो उस सिनेरियो की वजह से फिर मैंने एडमिशन लिया अच्छा मेरे को बेसिकली फोरेंसिक साइंस वो फोरेंसिक सिक्योरिटी में जाना है ताकि मैं मतलब साइबर क्राइम्स वगैरह पर आप काम कर सको कैसे चीजें रोक सको हाँ जॉब की मेरे को इतना नहीं है मेरे को बस इतना है कि मैं जो ये बीच में फ्रॉड होते हैं मैं उस जगह पकड़ सकूं दैट्स इट ओके तो यहां पे जब आप साइबर क्राइम्स की बात करते हो देखो सब ध्यान से समझना कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये कोर्स करना है साइबर क्राइम रोकने के लिए कोई ये कोर्स नहीं करता राइट कि साइबर क्राइम रोकने के लिए मैं एक साल का कोर्स करूंगा कोर्स कोई करेगा नहीं करेगा कि मैं अपने आप को सिक्योर करना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास जो डेटा है ना क्या ही है मेरे मोबाइल में राइट अभी बाहर जाके पूछोगे अपने फैमिली में पूछना किससे इथिकल है क्या जानते हो फैमिली में किसी मम्मी से पापा से आजू बाजू चाचा का वो पूछना इथिकल है क्या होता है देखना आपको रिस्पांस क्या मिलेगा मे बी शायद घर वाले तो मैं आपको जनरली बताऊँ मेरे मॉम पहले इथिकल हैकर वर्ड ना बोल भी नहीं पाते उस मतलब उसको अलग तरीके से स्पेल मतलब होता होता है काफ़ी सारे लोग ना फंबल कर जाते हैं इथिकल बोलने में बहुत सारा बिल्कुल और ये बहुत ज़्यादा होता है ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें हम जब बात करते हैं अपने पेरेंट्स की तो वो थोड़ा 70s 80s के एरिया से हैं सो वहाँ से अगर आप बात करोगे तो शायद वो नहीं बता पाएंगे आपके फैमिली में भी ढूंढोगे ना कि सीए मिल जाएगा आपको कोई ना कोई आपको मिल जाएगा कि जो एडवोकेट बन गया है जो लेकिन आपको इथिकल हैकर नहीं मिलेगा कितने लोगों के आजू बाजू परिवार में इथिकल हैकर है तो देखो कि कितने स्केयरसिटी है ना पास में अपने चाचा चाचा में है एक तो बहुत क्लोज रही नहीं ना देखना कि आप मामा चाचा ताऊ आजू बाजू तो ऐसे तो यहाँ पे कितने सारे हैं ठीक है समझे सो समझना ध्यान से जॉब की कोई कमी नहीं है ओनली अपने आप को राइट नॉलेज देनी है स्किल्स देनी है कॉन्फिडेंस देना है देयर इज नो स्केयरसिटी ऑफ जॉब्स भरकर जॉब्स हैं साइबर सिक्योरिटी में लेकिन ओनली थिंग इज कि आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए और अपने आप ये आप बोल रहे हो ना कि अवेयरनेस और ये चीज़ें ठीक है हम सोसाइटी को दूर दे सकते हो आप बिल्कुल एड ऑन कर सकते हो ये चीज़ें कैसे सिक्योर अपने लोगों को अवेयर कर सकते हो कि कैसे आप जैसे किसी की फोटो फेसबुक पर डल गई या कहीं पर किसी वेबसाइट पर किसी ने अपलोड कर दी अब उसको रिमूव कैसे करना है एक वेबसाइट है ठीक है उस वेबसाइट पे जाइए अकाउंट बनाइए जो लिंक है फोटो का
कहीं पे भी किसी वेबसाइट पर वीडियो डल गई है, फोटो डल गई है, वो डालो, सबमिट करा दो, वो वहाँ से रिमूव। पोर्टल अभी है, उस टाइम वो था नहीं, तो 6 महीने पहले ही मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे जितना मैं सीखता हूँ वो मैंने वहाँ सिखाना शुरू किया। वेरी गुड, क्या बात। ठीक है, अभी वहाँ पे मेरे पास साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं अमेरिका, मेरी टीम है वहाँ, और मैंने फ्रेंचाइजी के लिए भी पूछा था क्रोम में, बट इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर मी अभी के लिए। ठीक है, ठीक है। Myself, Dragon, I'm already a working professional. I have 15 plus years experience. So presently, I'm working in an NGO, the Clinton Foundation. Mm-hmm. So my job role there is to manage data centers, remote data centers in different countries. So recently, my boss has asked to take care of security prospect of all the infrastructure and all. So that's why I said, okay, let me look after some courses. So I thought, let me go through CH and let me see how it can help me in my existing role. So I'm already doing many things like vulnerability, removal of vulnerability. We are using callers, many different things. So this is just for this course for me is like to explore more how it can support me in my existing role. So maybe further I will do such courses. अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जैसे एक ना एक बहुत चीज ऐसी एक ये मैंने बहुत देखा है, लोग ना लोगों को पता होता है कि डॉस अटैक क्या होता है, यहाँ पे किसी को पता है डॉस अटैक क्या होता है? डॉस अटैक करना आता है? हाँ, करना उसके थ्रू ही होता है, उसके थ्रू ही होता है। आपने एनोनिमस सुडान का नाम सुना है? हाँ, सुना है। एनोनिमस सुडान, अभी रिसेंटली न्यूज़ की एनोनिमस सुडान ने इजराइल की कुछ जो अलर्ट सिस्टम है होता है इजराइल का, एक एसएमएस अलर्ट सिस्टम है हमास ने जो किया था। हाँ जी, सो बिल्कुल बिल्कुल, उस अलर्ट सिस्टम के ऊपर डॉस अटैक किया, जिससे कि अलर्ट्स जो जाते थे ना, मैसेजेस जाते थे कि ऐसा एक मिसाइल आ रहा है और एक अटैक हो रहा है, तो अलर्ट्स जनरेट नहीं हो पाए। ये डॉस अटैक कैसे किया, यू नो देयर इज एन, मैं एक ग्रुप में एडिट हूं, नॉर्मल सुडान के ग्रुप में एडिट हूं, वहां पे व्हाट दे डू, दे शेयर द आईपीस, ये आयरन डोम का आईपी है, ठीक है, या आयरन डोम नहीं, कि ये आईपीज हैं अलर्ट सिस्टम की, ये आईपीज है, अब आपको क्या करना है, इस टूल से इस पे अटैक करना है। कौन सा टूल? वो गिटहब में वो टूल ले देते हैं, ये लिंक है, ये कमांड है, इसको डाउनलोड करो एंड यू सेंड दिस, सेंड अ डॉस अटैक। अब ये होता कैसे है, एक आईपी से नहीं होता, ये मल्टीपल आईपी से। तो जो 2,500 लोग कनेक्टेड है उस ग्रुप में, 2,500 मतलब 2.8 के आसपास मेरे ख्याल से वहां पे उसमें लोग हैं उस ग्रुप में, तो वहां पे वो एक कमांड देते हैं, एक यूआरएल देते हैं, और वो क्या करते हैं, स्टार्ट सेंडिंग पैकेट्स टू दिस आईपी, अब क्या होता है वो आईपी अलग अलग जगह से जाते हैं। अभी जब आप, आपने नेट पे सुना होगा, गूगल में भी सुना होगा कि डॉस अटैक, इस जो कोर्स करते हो ना, सीईएच हो गया, पेन टेस्टिंग हो गया, इसमें आप एक्चुअली में सीखते हो कि डॉस अटैक करते कैसे है। ये जो टूल है लॉय का आपने सुना होगा, हॉइक सुना होगा, एचपिंग आपने, स्लो लॉरिस आपने सुना होगा, गोल्डन आई आपने सुना होगा, ये ट्राई किए हैं, जो आपने पूरा प्रोसेस देखा अभी, आपको बहुत सारे लोग ना आपके कंपनीज की बात करते हैं, कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको डॉस अटैक के बारे में नॉलेज होती है, भाई डॉस अटैक आ रहा है अब, लेकिन उनको ना करना नहीं आता, वायरस की नॉलेज होती है। किसी भी कंपनी में आईटी वाले से पूछ लो वायरस क्या होता है, अरे वायरस तो ये होता है, इससे होता है, लेकिन उनसे पूछो कि ट्रोजन बना सकते हो, उनको नहीं आता। ट्रेनिंग में आप ये सब सीखते हो,
ट्रोजन एसक्यूएल इंजेक्शन वेबसाइट वालों से वेबसाइट पे जो वेबसाइट बनाते हैं उनको पता होता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होती है लेकिन उनको बोलो कि एक वेबसाइट देता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन करके इसका डेटाबेस निकाल दो नहीं निकालना बट आप सब लोग निकाल सकते आप सब लोगों ने प्रैक्टिस की होगी प्रैक्टिस की है एसक्यूएल इंजेक्शन की यूनियन यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन किया है किया है नहीं किया ठीक है जब आपका क्रिटिकल लैकिंग आएगा तब आप करोगे सर कमांड तो वही होती है बस थोड़ा सा फॉर्मेट होता है उसका कमांड वही है तरीका वही है लेकिन इसमें लोगों को ना आइडिया नहीं होता ये यहाँ आके वो करना सीखते हैं डॉस अटैक कैसे करते हैं ये कैसे करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे करेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे एक्सेस से होता क्या है हाँ उससे पहले मैं डेटाबेस बनाता था लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन होता कैसे है वो मेरे को नहीं पता था एसक्यूएल इंजेक्शन कभी ना कभी नाम सुन लिया होगा नाम सुना था बस ये नहीं पता था होता कैसे है और काफी लोग ऐसे होते हैं सिक्योरिटी में जिनको नाम सुने होते हैं ये पता होता है कि वल्नरेबिलिटी है लेकिन उसको करते कैसे ये नहीं आता लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग ना ये सारे अटैक्स अपने हाथ से एग्जीक्यूट करोगे आपको करने हैं मल्टीपल सिर्फ डेमो ही नहीं लाइव ही ठीक है हाँ तो व्हाट आई मीन कि आपको हर अटैक का ना तरीका आना चाहिए क्योंकि जब इंटरव्यू में बैठोगे यू शुड बी गुड व्हाइल एक्सप्रेसिंग सर I can do SQL injection, so we can use union based SQL injection while on URLs. तो इसमें क्या होता है जब आपका कॉन्फिडेंस देखता है ना सामने इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ऑटोमेटिकली आपके ऊपर बिलीव करता है yes, he knows about SQL injection, he knows about the concept of SQL injection. और सिर्फ टूल भी नहीं कॉन्सेप्ट भी समझना कॉन्सेप्ट भी समझना ठीक है कि SQL injection कैसे करते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे आपको टूल्स का अच्छा नॉलेज हो जाएगा आप हैंड्स ऑन करो और जिस भी क्लास में कौन कोई भी आपका जो भी ट्रेनर आपकी क्लास ले रहा है मेक श्योर कि आप सारे प्रैक्टिकल्स करो कि डॉस अटैक करके देखना है उनको एसक्यूएल इंजेक्शन करके देखना है प्रोसेस शिफ्टिंग करके देखना है कमांड इंजेक्शन आई वॉन्ट टू डू इट एंड ट्राई करो इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट अ लाइव डोमेन ओके इसलिए मैंने बोला लाइव डोमेन खरीदो सेटअप करो उस पर अटैक करो ताकि आप एटलीस्ट थोड़ा प्रैक्टिस तो कर सको ठीक है थैंक यू माय नेम इज अभिलाष आई परस्यूड आई हैव डोमेन आईडी फ्रॉम फॉर टेकिंग गवर्नमेंट एंड आई हैव आल्सो डन द इन द वेब डेवलपमेंट डोमेन आई हैव डन देयर वर्क एंड देन मैं साइबर सिक्योरिटी में स्पेसिफिक टू हूं ताकि बहुत डायनेमिक फील्ड है नई वल्नरेबिलिटीज नए कॉन्सेप्ट हमेशा आते रहते हैं तो मुझे थोड़ा आई मीन तभी अटैच हुआ स्पीड से और बाकी हम जस्ट डूइंग ओके सो प्रैक्टिस करते हो कितनी देर प्रैक्टिस करते हो एवरेज मतलब दो घंटे की क्लास होती होगी उसके बाद क्लास करा क्लास के अलावा मतलब कहाँ करते हो घर पे पार्क में बैठ जाता हूँ या फिर घर पे ठीक है लास्ट दिन क्या प्रैक्टिस किया था सर लास्ट दिन मैंने एक वो है ट्राइकनी पे ब्लू एक है और सॉल्व करी थी और बैंड विथ की करी थी ओके एक चीज मैं आप आज सब लोगों को बताता हूँ कि प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है जैसे आपने एक लेवल कंप्लीट आउट कर लिया जैसे आपने क्रिटिकल लैकिंग कंप्लीट कर लिया तो मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं ना आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं आज हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करेंगे आज हम डॉस करेंगे ऐसे करते हैं प्रैक्टिस ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती है जब आपका एक लेवल खत्म हो गया आपको क्या करना है फर्स्ट टॉपिक उठाना है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग उसको पढ़ो उसको कंप्लीट करो उसके बाद सेकेंड टॉपिक पे आओ फुटप्रिंटिंग उसको पढ़ो उसको कंप्लीट करो फिर थर्ड टॉपिक स्कैनिंग पढ़ो कंप्लीट करो मूविंग टॉप टू बॉटम तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने एथिकल हैकिंग का कोर्स खत्म हो गया बिल्कुल हो गया सर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी वो प्रैक्टिस चलती रहती है कब तक चलती रहती महीनों चलती रहती है क्यों उनको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता क्योंकि वो शुरुआत करके खत्म ही नहीं कर पाते
आज आप ऐसे एसएसएस करोगे वो करते रहोगे, एसक्यूएल इंजेक्शन करोगे वो भी करते रहोगे, डॉस अटैक करोगे वो भी आप करते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स है ना बहुत वास्ट है। यू विल लूज कॉन्फिडेंस, अपने आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने ये शुरुआत किया और खत्म कर दिया। एक लेवल का आपने शुरुआत किया और खत्म किया, फिर जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे उसी का ही एडवांस चीजें आप उसमें नेक्स्ट में सीखोगे। सो प्रैक्टिस करने का जो सही तरीका है वो ये है कि फर्स्ट टॉपिक उठाना है, फर्स्ट टॉपिक को खत्म करना है, फिर मूव करना है सेकेंड टॉपिक पे। उससे पहले आपको ऐसा नहीं कि आज ए पढ़ लेते हैं कल एक्स पढ़ लेंगे कल जेड पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसे कभी भी आप एक सीक्वेंस में ए से लेकर जेड तक खत्म नहीं कर पाओगे। इसको ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं कि लोग क्या करते हैं, एक एक टॉपिक उठा उठा के प्रैक्टिस करते हैं। बीच का टॉपिक उठा लिया, तो बीच का एक टूल उठा लिया कि आज मैं यूनियन बेस्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा, आज मैं गोल्डन आई करूंगा, बस यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा आपका अगर आप इस तरह से करोगे तो। अगर आप तो आप चाहते हो कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो तो आपको टॉपिक शुरू बात करके एंड करना है। यहाँ पे किस चीज के खत्म हो गए, फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया, फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया, नेटवर्किंग खत्म हो गया, टॉप टू बॉटम खत्म कर देना। पाइथन किसी का खत्म हुआ है? फर्स्ट टॉपिक से लेकर एंड टॉपिक तक, टॉपिक वाइज एक दिन एक टॉपिक, एक दिन एक टॉपिक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपका कॉन्फिडेंस देखना, एक महीने में आपका कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मुझे पाइथन का ये समझ में आ गया, हाँ मुझे नेटवर्किंग का सीसीएनए समझ में आ गया, हाँ मुझे लिनक्स समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से करोगे ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाओगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो इंटरव्यू में बैठने का और आंसर देने का लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ स्निफिंग, लोग एयर क्रैक बता रहे हैं, उसमें इटर कैप आएगा, राइट, उसमें वायर शार्क आएगा, लोग क्या करते हैं एरो डंप। नहीं, देयर इज अ वे टू सेग्रीगेट थिंग्स। और ये कब आएगा? जब आप टॉप टू बॉटम खत्म करो। क्लैरिटी रखना, एनमैप की क्लैरिटी, एनमैप से क्या कर सकते हो एग्जैक्टली, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। डॉस अटैक के टूल कौन से होंगे उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अपने आप से खुद क्वेश्चन पूछो, मेटास्प्लॉइट यूज करा है कभी? मेटास्प्लॉइट जैसे चार टूल्स के नाम पता होने चाहिए, पता है? डार्क साइड हो गया, पीरियड क्रशर हो गया, मेटा एग्जैक्टली मेटास्प्लॉइट जैसा फ्रेमवर्क होता है ना, वैसे ही जिसमें सब कुछ होता है। खुद क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्या मैं इटर कैप जैसा कोई टूल है? 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 होगा ना, एनमैप कल को बंद हो गया। What is next? आपको exactly, किसी कंपनी में आप प्रोजेक्ट के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया, you cannot use एनमैप। Now what? या you cannot use Boxsuit। Now what? Boxsuit के जैसा कुछ जानते हो? Zap proxy, very good. So be ready with alternatives. कल को काली मना कर दिया, बी अवेयर। आपको सेग्रीगेशन करना आना चाहिए, ये टूल इसलिए, ये टूल इसलिए। मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ ना बच्चों के, कोई भी जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आता है तो मैं सबसे पहले उससे लिखवाता हूँ, नाम लिख दो आपने कौन कौन से टूल्स कौन कौन से स्क्रिप्ट यूज किए। आप खुद बैठ के ना एक पेपर निकाल के लिखना शुरू करना, जिस इसका एथिकल हैकिंग और फैंटास्टिक खत्म हो गया। कितने टूल्स कितनी स्क्रिप्ट्स आपने यूज किए, कितने अटैक्स आप जानते हो, चाहे उसमें सोशल इंजीनियरिंग आ जाए, चाहे उसमें आपका यू गेट सिग्नल आ जाए, हु इज आ जाए, एमएक्स टूल बॉक्स आ जाए, मेल सर्वर रिकॉर्ड्स आ जाए। ऐसे करते करते मैं लिखना शुरू करना, आई एम श्योर आप 50 नहीं पहुंच पाओगे, आप 50 नहीं लिख सकते, 50 नहीं काउंट कर सकते आप कि मैं 50 टूल्स मैंने या 50 टेक्निक्स। अब टेक्निक्स में क्या हो, शोल्डर सर्फिंग, जैसे किसी का पासवर्ड देख लिया, टेल गेटिंग, किसी के पीछे पीछे चले गए, अब ये भी लिख दोगे ना तब भी 50 नहीं कर पाओगे। जो 50 कर पा रहा है दैट मीन्स उसने पढ़ाई की है।
नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब उसको कॉन्फिडेंस है, उसको ऑल्टरनेटिव्स भी पता है, एचपी लिख दिया ठीक है, उसके बाद गोल्डन आई लिख दो, उसके बाद और लिख दो, चार पांच लिख दो, ऐसे करकर भी आप 50 कवर कर दोगे ना, आई एम श्योर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पर कि हाँ मुझे आता है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद बैठ के ना, अभी मैं नेक्स्ट सेशन जब लूंगा ना आपसे ये एक्टिविटी करवाऊंगा, सब एक पेपर लेकर आना लिखेंगे, बिना डिस्कस किए बिना देखे कौन कौन सी वेबसाइट पता है, कौन कौन से टेक्निक्स पता है, कौन कौन से टूल्स पता है, गिटहब की कोई भी स्क्रिप्ट आपने यूज की हो, कोई भी आपको वायरस के बारे में बताओ, कोई भी रैप के बारे में आपको बताओ, कोई भी पेलोड बताओ, पोर्ट स्कैनर्स बताओ, लिख के एक पेपर पे नोट डाउन करना, चाहो तो घर पे, बट ये आपको ना बड़े ही लॉयल्टी के साथ करना पड़ेगा। फिर देखना नहीं इधर उधर की आदमी बुक से देख लेता हूँ या अपने उसमें से देख लेता हूँ, नोट्स में से देख लेता हूँ, खुद बैठ के ना एक बार ट्राई करना कितने याद आते हैं, देखना अपने आप को जज करना कि कितना मैं कर पाऊंगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, इससे आपका एकदम मॉरल एकदम टॉप पे आएगा, हाँ मुझे चीजें आती हैं। और जब आप कि अंदर से ना टेक्निकली आता है ना कि मुझे टेक्निकल आता है, तो आप बोलना कन्वर्सेशन आपका इजी हो जाता है, वो टेक्निकल मतलब टेक्निकली आप स्पीक कर सकते हैं।